तो नमस्ते दोस्तों, मेरे पास देखो ये नेकबैंड आया हुआ है और जो कि इसको दोस्तों हम ठीक करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का नेकबैंड आता है तो दोस्तों आप फ्री में ठीक करोगे दोस्तों, कहीं देने का जरूरत नहीं दोस्तों। कोई मिस्त्री वगैरह को जो आप देते हो दोस्तों वो कुछ नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखो आप सिंपल में ठीक कर सकते हो। अगर नहीं जानकारी है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, इसमें बिल्कुल सिंपल इस चैनल पर बिल्कुल सिंपल से सिंपल बताऊंगा दोस्तों। और आपका जो उपयोगी का सामान होता है दोस्तों, जो आप मिस्त्री से ठीक कराते हो, मेरे ख्याल से आप एक बार देख लोगे तो आप बिल्कुल आराम से खुद से ठीक कर सकते हो। देखो दोस्तों इसमें क्या है कि एक साइड नहीं बसता है, वन साइड नॉट वर्किंग है ना, तो दोस्तों इसमें बिल्कुल आप खुद से रिपेयर करोगे, आप फ्री में रिपेयर करोगे, ये मेरा गारंटी है। क्यों वो भी बता रहा हूँ दोस्तों। देखो इसका जो है ये खराब है, सॉरी ये सही है बट ये खराब है, इसके जगह स्पीकर लगेगा। तो देखो दोस्तों आपके पास कोई भी ईयरफोन होगा जो अगर नहीं है ईयरफोन तो आप दोस्त को बोलोगे, दोस्तों सभी के पास ईयरफोन खराब मिलता है ठीक है, तो उसको क्या करना है, काट लेना है। जो कि मैंने ये काट लिया है, ये देखिए काट के जो है बस आपके पास एक सोल्डिंग आयरन आना चाहिए। सोल्डिंग आयरन ले लोगे दोस्तों तो आपका मतलब काम हो जाएगा। इस समय दोस्तों कुछ होता ही नहीं है, ईयरफोन आपको फ्री मिल जाएगा। अगर बाय द वे ऐसे तो मिल जाता है, बाय द वे नहीं रहा तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हो ठीक है, सस्ता ले ईयरफोन काट के लगा दोगे। ऐसे आप मिस्त्री को दोगे तो ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, कोई भी जाहिर सी बात चार्ज तो लेगा ही ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, देखो दोस्तों आपको बस जो ईयरफोन काटोगे दोस्तों तो ये आपको ये चेक कर लेना है कि ये सही है क्या नहीं है। तो देखो दोस्तों हम चेक कर लेते हैं, ये देख लिया ये स्पीकर सही है, चलिए तो सही है, चलिए ये भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, फटाफट इसको खोलना है ठीक है। देखो दोस्तों मैंने खोल दिया है ना, अब क्या है फटाफट इसका किट निकाल देते हैं। ये देखो दोस्तों ये जो है हम बिल्कुल निकाल चुके हैं है ना, ये निकाल दिए। अब क्या करना है, इसमें ईयरफोन सेट करना है ना, तो ये चेक कर लेना है कि ये लेफ्ट राइट कौन सा है, तो ये लेफ्ट ये राइट है ना। चलिए ये जो है ये इसमें जो है ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, तो चलिए ये इसमें लगेगा है ना। तो ये क्या करना है, तार इसके अंदर डाल देना है, देखो दोस्तों ये जो है हम लगा दिए हैं है ना, और इसको क्या करना है बेंड कर देना है। ये देखिए बेंड कर दिया मैंने ताकि तार खिंचाए तो ये इस जगह फंसा रहे। अब क्या करना है दोस्तों, बस कुछ नहीं, इसको बस सोल्डिंग कर देना है। ये देखो दोस्तों हो गया है, बस जैसे खोले तो वैसे फिट करके आपको फिर इसमें जो है सेट कर देना है। देखो दोस्तों ये बिल्कुल हो चुका है ना, बिल्कुल एक नंबर हो चुका है। बस आप क्या करना है, बस सेम जो है दोस्तों इसका भी वैसे करना है। ये देखिए ये इसका तार निकालना है और ये क्या करना है आपको, बस यहाँ से काट देना है ठीक है दोस्तों, इसमें सोल्डिंग कर देना है आपको। देखो पेस्ट लेके जो है इसमें जो है आपको सटा के रखना है और ये खुद जो है इसका शोल्डर जो है शोल्डर इसमें लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, इसमें इस वायर में जो है आपको परत चढ़ाया जाता है ताकि इसमें सटा भी रहे तो जो है ये शॉर्ट वगैरह ना लगे। इसका जो पेंट रहता है ये पेंट को आपको जला देना है तभी सोल्डिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा ठीक है। तो देखिए हम इसका पेंट को जला दिए हैं और बिल्कुल ये जो है आपका सोल्डिंग हो चुका है इसमें। अब बस क्या करना है दोस्तों, आपका सेम जो है इसका वायर कहाँ गया, ये देखिए है ना, इसको खोल देना है, देखिए ये खुल गया है, और इसको सेम जो है इसको हटा देना है। देखिए ये जो है क्या करना है, बस इसमें सेम डाल देना है और इसको बेंड कर देना है। देखो तो कितना सिंपल है ना, कुछ नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों, बस सेम जो है आपको सोल्डिंग कर देना है। ये देखो दोस्तों ये सोल्डिंग हो चुका है बिल्कुल, और इसमें जो है इसमें दोस्तों ये मेडिकल टेप है मेरे पास, ये मेडिकल टेप मार देते हैं। आपको भी टेप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये याद रहे कि ये दोनों जो है एक दूसरे आपस में सटे नहीं ठीक है। चलिए हम जो है अपने हिसाब से मार देते हैं। ये देखो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो चुका है। अब क्या करना, बस इसको जैसे खोले तो वैसे सेट कर देना आपको। तो ये देखो दोस्तों ये बिल्कुल जो है ये ईयरफोन आपका ब्लूटूथ नेकबैंड जो है ये आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्विच वगैरह सब काम कर रहा है, बिल्कुल सही है ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरह का अगर टूट जाता है या वन साइड नहीं बसता है तो दोस्तों ये कैसे ठीक करें।